हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारी प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज और इसमें हम लोग फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में अभी डिस्कस किया हुआ था हमारा प्लेटू के बारे में, और उस प्लेटू से पहले हम लोगों ने माउंटेन रॉक सिस्टम और बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की हम लोग छोटी सी वीडियो में देखेंगे हमारे लेक के बारे में, झीलों के बारे में क्या कुछ है, कैसे बनती है, कितने टाइप की होती है और क्या इनका फ्यूचर हो सकता है या फिर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल हैं, दोनों को आप लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं हमारे लेक के बारे में, हमारे झीलों के बारे में। अब देखते हैं पहले झील होती क्या है। तो झील एक तरीके से एक या दो तरीके से होती हैं। एक होती हैं जो चारों ओर से ट्रैप्ड होती हैं, दिस इज ट्रैप्ड, और दूसरी होती है जो वन साइडेड ओपन होती है। वन साइडेड ओपन कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि दिस इज सपोज एनी झील, एनी लेक है, वन साइड से इसका सोर्स रीजियन बना होता है और दूसरे साइड से ये आउटफ्लो निकलता रहता है। जब ये दोनों बंद हो जाती है, दोनों तरीके से अगर ब्लॉकिंग कर देंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये एक ट्रैप्ड लेक हो गई है, या इसी को ट्रैप्ड लेक को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं लगून। ये लगून जो है वो बेसिकली दूसरी भाषा यानी ज्योग्राफिकल भाषा है, भौगोलिक भाषा है। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके की झीलें हो जाती हैं जिसको हम लोग लगून भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको लेक भी बोल सकते हैं इन आवर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। तो फटाफट देखते हैं लगून के बारे में या फिर लेक्स के बारे में। तो लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर of considerable size localized in a basin. तो basically this is a basin. इस basin को हम लोग geography की language में catchment भी बोलते हैं, this is the catchment basin भी बोल रहे होते हैं। तो आगे से जब भी आप कहीं पर भी कोई answer लिखिए catchment basin का नाम लिखिए। That is surrounded by land apart from a river or other outlet that serves the feed to drain the lake. तो इस तरीके से हमें एक surface मिल जाती है, एक outflow मिल जाती है जिसके सहारे इस लेक से वाटर आता है और वाटर निकलता रहता है जिससे कि फ्रेशनेस जो साफ सफाई होती है वो बनी रह जाती है। तो लेक लाई ऑन लैंड, लैंड पे भी हो सकते हैं एंड आर नॉट पार्ट ऑफ ओशियन, तो ये ओशियन का पार्ट नहीं होते हैं, देयरफॉर दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लगूनस एंड आर ऑल्सो लार्जर एंड डीपर देन पॉन्ड। तो जो भी छोटी मोटी तालाब होती है तालाब से बेसिकली बड़ी होती है और ट्रैप्ड नहीं होती है, इसलिए ये कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लगूनस। क्लियर। तो नेचुरल लेक्स आर जनरली फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, क्यों? क्योंकि वहां पर रिवर जो है अपनी रिफ्टिंग कर रही होती है या फिर रिवर जो है अपनी मियंडरिंग कर रही होती है जिसके कारण से अगेन एक तरीके की लेक बन जाती है। सिमिलरली ग्लेशिएशन के कारण से भी हमें लेक मिल रही होती है, जैसे मोरेन्स वगैरह जो जनरेट कर रही होती है। अब मोरेन्स वगैरह क्या होती है यह आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बस आप ये समझ लीजिए मोरेन एक तरीके की ग्लेशियर धूल होती है, ग्लेशियल ग्लेशियल धूल या फिर ग्लेशियल डस्ट बोल सकते हैं। जैसे विंड के साथ में धूल के पार्टिकल चलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डस्ट हम लोग। तो जो ग्लेशियल डस्ट होती है जिसमें कि आइस के पार्टिकल्स होंगे, साथ में जो सरफेस है उसके टूटे हुए रग्ड पार्टिकल होंगे या फिर बोल्डर्स होंगे, बड़े बड़े तरीके से कह सकते हैं कि पत्थर वगैरह होंगे, उनको हम लोग बेसिकली ग्लेशियल डेजर्ट बोल रहे होते हैं। जम जाएगा, जमने के कारण से क्या होगा, चारों ओर जब जम जाएगा तो बीच में एक डिप्रेशन खाली हो जाएगा, तो दिस बेसिकली डिप्रेशन। अब इस ग्लेशियर में आइस है, आइस आएगी पिघलेगी, पिघलेगी तो वाटर में बदल जाएगी, वाटर में बदलेगी तो इलाका ट्रैप्ड हो जाएगा और ट्रैप होने के कारण से झील में बदल जाएगा। क्लियर। तो मोस्ट लेक्स हैव एटलीस्ट वन नेचुरल आउटफ्लो, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया एक नेचुरल जो होती है आउटफ्लो होती है जहां से पानी जो है वो निकलता रहता है या फिर रिवर या फिर स्ट्रीम के फॉर्मेट में दूसरे जगह पर जाता रहता है जिससे कि फ्रेशनेस बनी रहती है। एंड विच मेक्स अ लेक्स एवरेज लेवल बाय अलाउिंग द ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर। तो इस तरीके से जो एवरेज है हाइट है वो बनी रहती है और जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको निकाल दिया जाता है। क्लियर। सम लेक्स डू नॉट हैव अ नेचुरल आउटफ्लो एंड लूज वाटर सॉलिडली बाय इवेपोरेशन और अंडरग्राउंड सीपेज बोथ। इस तरीके के लेक को हम लोग बोलते हैं एंडोरिक लेक। ये ध्यान रखिएगा एंडोरिक लेक क्या मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक लेक है और लेक में कहीं से भी इनपुट नहीं है आउटपुट भी नहीं है, मतलब यहां से जो वाटर आएगा
बेसिकली या तो रेनफॉल के फॉर्मेट में आएगा या फिर वो ग्लेशियर के फॉर्मेट में आएगा, और अल्टीमेटली यहां पर ये पूरा इलाका वाटर से ट्रैप कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ऐसे अगर पानी बढ़ता जाएगा तब तो ये आउटफ्लो कर जाएगा, लेकिन होता क्या है, यहां पर लगातार इवेपोरेशन होती रहती है, वाष्पीकरण होता रहता है, या फिर ये पानी नीचे सीपेज करके ग्राउंड वाटर के रूप में कन्वर्ट होता जाता है, जिससे कि इसकी जो हाइट है वो चेंज नहीं होती है और ये कांस्टेंट सा बना होता है। इस तरीके की हम लोग लेक को बोल रहे हैं इंडोरिक लेक। क्लियर हो गया क्या चीज इंडोरिक लेक है? आज तक वैसे इंडोरिक लेक के बारे में तो नहीं पूछा गया है, नियर फ्यूचर भी पूछे जाने की संभावना लगभग लगभग न के बराबर ही है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग नाम याद रखिए, कहीं किसी टेस्ट सीरीज में या फिर कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकें, या फिर नॉलेज इज नॉलेज, नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। इसके अलावा देखिए द मेजोरिटी ऑफ द लेक्स ऑन द अर्थ आर फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट जब भी किसी चीज का बना होता है, और अगर ये इनपुट और आउटपुट अपना फ्लो कंटेन किया, फ्लो मेंटेन किया हुआ है, तो कभी भी वो पोल्यूट नहीं होगा। पल्यूट नहीं होगा तो अपने आप वो कैसी बन जाएगी? फ्रेश वाटर बन जाएंगे। एंड मोस्टली लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द हाई लैटिट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ कनाडा, फिनलैंड, साइबेरिया। और यही कारण है जो हमारी फिनलैंड है, इस फिनलैंड को हम लोग बोलते हैं कि ये झीलों का शहर है, ये है सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स। अगर मान लेते हैं इंडिया में अगर पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा सिटी ऑफ लेक है, तो इंडिया में सिटी ऑफ लेक बोला जाता है उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर में काफी ज्यादा झील है, नक्की झील और इस तरह से बहुत सारी झील्स हैं, वहां पर आप जाकर के मतलब घूमने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। फिलहाल अगर बात करें तो सिटी ऑफ लेक उदयपुर को ही बोला जा रहा था, इफ यू आर टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करें अगर तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास लेक आ जा रहे होते हैं। अगेन आपको केवल और केवल नॉलेज के लिए याद रखना है, इस पर कभी भी कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा क्या कुछ है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के लेक होते हैं, जैसे एक होती है जो वोल्केनिक लेक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हमारा वोल्केनो है, यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था। होने के बाद क्या होगा, अब ये इलाका हर समय तो एक्टिव है नहीं, तो जब ये हो नहीं रहा है तो यहां पर क्या होगा, सुनसान साफ सुथरा पड़ जाएगा, क्योंकि इलाका इस तरीके से यहां पर तो जो भी बसाल्ट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट जो भी जमना था वो तो जम गया, डिपॉजिट हो गया। अब ऊपर से हो रही है हमारी रेनफॉल होगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ऊपर का, इस सरफेस पे क्या होगा कि ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। कैसे इकट्ठा हो जाएगा? इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर आपको बेसिकली वाटर दिखने को मिलेगा। हालांकि ये वाटर जो होता है वो हमेशा अंदर की हीट के कारण से हमेशा हॉट वाटर बना रहेगा, लेकिन हॉट वाटर बने चाहे वार्म वाटर बने, वाटर इज वाटर, एंड अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ वाटर बॉडी इज बीइंग कॉल्ड एज लेक्स। और इस तरीके के लेक को हम लोग बोलते हैं क्रेटर लेक, या फिर इसी को जब सरफेस इसका बड़ा हो जाता है, मतलब इसकी जो रेडियस होती है जब वो बड़ी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक कैल्डेरा लेक है। क्लियर हो गया, कैल्डेरा का मतलब, क्रेटर का मतलब, और वोल्केनिक लेक कैसे बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर बोल देते हैं जैसे लेक टिटिकाका, ये एक लेक है जो बोलीवियन प्लेटू में पाई जा रही होती है। बोलीवियन प्लेटू ये कहां पर है, ये आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका मैप में जाइए, आपको बेसिकली इस तरीके से साउथ अमेरिका का मैप दिखेगा। इस साउथ अमेरिका के मैप में बेसिकली इस तरीके से यहां पर आपको मिलेगी लेक टिटिकाका, दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ लेक टिटिकाका। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, लेक टिटिकाका, लेक पोपो भी यहीं पर है और सेम इसी तरीके की है, लेक पोपो भी यही है, दोनों ऊपर नीचे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी होती है जो ऑक्सबो लेक होती है। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होती है? ऑक्सबो लेक का मतलब ये है कि जैसे रिवर जब चलती है तो इस तरीके की मियांडरिंग करती है, सर्पिलाकार बनाती है, तो रिवर मियांडरिंग के कारण से लगातार इस तरीके से अपना जो एरिया है वो चेंज करती रहती है। तो जब चेंज करती है तो नई ट्रेजेक्टरी जब आ जा रही होती है, इस तरीके से जब नई ट्रेजेक्टरी आ जा रही होती है, जो पुरानी वाली ये लेक आपको दिखने को मिल रही है, ये बेसिकली छूट जाती है इसकी ट्रेजेक्टरी। जब ये छूट जाती है तो रिवर जो है केवल और केवल इतने पे बना हुआ है, तो इतने पे बने होने के कारण से ये जो इलाका छूटा हुआ है, ये आपका अलग से एक लेक के तरीके से दिखना शुरू हो जाता है, एक राउंडेड लेक, राउंडेड वाटर बॉडी दिखनी शुरू हो जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि वो एक ऑक्सबो लेक हो जा रही होती है। क्लियर हो गया। जैसे सांभर लेक, तो जो सांभर लेक है बेसिकली राजस्थान की, ये एक ऑक्सबो लेक है जो कि लूनी रिवर के द्वारा
बनाई जा रही होती है। तो लूनी रिवर के द्वारा जो ऑक्सबो लेक बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक सांभर लेक हो गई है। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया क्या चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होती है जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट के कारण से रिफ्ट वैली बनती है। तो हालांकि रिफ्ट वैली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा था कि हमारा दो प्लेट हो गया, दोनों प्लेट जब एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे होते थे तो डाइवर्जन के कारण से रबर बैंड वाली सीच बनती है। रबर बैंड के कारण से इस तरीके का जो सरफेस बनेगा, यहां पर सरफेस पे टॉप पे हमें इस तरीके से वाटर बॉडी देखने को मिल जा रही होती है। तो यहां पर ये हमारी वाटर बॉडी इकट्ठी हो गई है। इस रिवर, इस वाटर बॉडी के कारण से जो लेक बना, जो सरफेस बना, उसको हम लोग बोलते हैं लेक, रिफ्ट वैली लेक। जैसे ये बनती है पूरी मेनली अफ्रीका में। अफ्रीका में जब आप जाएंगे और रिफ्ट वैली के एरिया में जाइए, एक बार एक काम करते हैं इसको क्लियर करते हैं और मैप बनाते हैं अफ्रीका का। तो दिस इज हाउ द अफ्रीका लुक्स लाइक। इस तरीके से आपको अफ्रीका का मैप दिखेगा, वेयर इट इज, ओके, यहां पर इस तरीके से आपको अफ्रीका का मैप दिखेगा। ये इलाका आपको दिखेगा पूरा का पूरा रिफ्ट वैली का। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहां लिखा भी होगा ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ग्रेट रिफ्ट वैली इस तरीके से यहां आपको देखने को मिलेगा। छोटी छोटी काफी सारी यहां पर लेक होंगी, यहां पर एक बीच में बड़ी लेक होगी जिसको बोलते हैं लेक विक्टोरिया, और दिस इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक। ये नेचुरल है, अलग केस है। लेकिन जो बाकी की जो लेक मिलेंगी आपको, जैसे लेक टंगनिका हो गई, दिस इज लेक टंगनिका, या फिर लेक मालावी हो गई, लेक एडवर्ड हो गई, बहुत सारी लेक यहां पर मिलेंगी, लेक एडवर्ड हो गई, तो बहुत सारी लेक हैं जो इस तरीके से एक लाइन के फॉर्मेट में होंगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में होंगी, लीनियर फॉर्मेट में होंगी। इस लीनियर फॉर्मेट को ही हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरीके का टेक्टोनिक लेक है या फिर रिफ्ट वैली लेक है। क्लियर हो गया क्या चीज है। एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा साथ में, एटलस के साथ में नोट भी कर लीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ग्लेशियर के लिए। ग्लेशियर के लिए क्या है, ये आपको लैंडफॉर्म में हालांकि ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही टेक्निकल नेम लिखे हुए हैं, जैसे सर्क हो गया या टांस हो गया, मोरेन के कारण से होती है। फिलहाल इसको यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप ग्लेशियल के कारण से लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ाई कर लेंगे। लैंडफॉर्म यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्क हो गया, इसी तरीके से होती है एरिट होती है, इसी तरीके से होती है हैंगिंग वैली होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग बात करेंगे जब हम लोग लैंडफॉर्म के सेक्शन में आएंगे तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आ जाएगी। फिर होती है हमारी आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल जो लेक होती है वो बेसिकली ह्यूमन मैन मेड हो रही होती है, मैन मेड हो जाती है, सीधी सी बात है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। बहुत सारी वाटर बॉडीज बनाई जा रही होती है, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। फिर आ जाती है ओआसिस। ओआसिस क्या है, ओआसिस का मतलब कुछ नहीं है, बस समुद्र के किनारे पे, ये मान लेते हैं कि ओशियन है, ओशियन के किनारे पे जो इस तरीके से जो वाटर बॉडी इकट्ठी हो जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं ओआसिस, ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या है, वेजिटेशनल होती है ये, दिस इज बेसिकली वेजिटेशनल, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये ओआसिस है। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और जनरली जो होता है लेक्स में कंसीडर किया भी नहीं जाता है, बट स्टिल अगर यहां पर लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। लास्ट में मैनमेड लेक होती है, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस ही कर लिए हैं आर्टिफिशियल में। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लेक में भी हमारे पास अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हो जाती है। जैसे एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी लेक। टेम्पररी लेक जो होती है वो फॉर द टाइम बींग केवल डेवलप हो रही होती है, तो केवल और केवल टाइम बींग के लिए होती है। दीज आर नॉट परमानेंट, कभी दिख रही है फिर कभी नहीं दिखेगी। अकॉर्डिंग टू आवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल नॉट, नो लेक्स आर परमानेंट। कोई भी लेक जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक लेक परमानेंट कह लीजिए, हर एक लेक जो होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, दूसरे फॉर्मेट में चली जा रही हो रही होती है। लेकिन ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होती है बहुत ही लंबा पीरियड होता है, मतलब मिलियंस का पीरियड होता है, तो इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग जो कंसीडर कर रहे होते हैं वो हमारे 100 ईयर्स 200 ईयर, केवल इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। बट स्टिल मैंने ये फैक्ट इसलिए आपको बताया है कि अगर इनकेस एग्जामिनेशन में आ जा रहा होता है तो यू शुड नो दिस फैक्ट कि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल नॉट अ सिंगल लेक ऑन द अर्थ सर्फेस आर परमानेंट इन नेचर, एवरी लेक हैज टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी परमानेंट लेक। परमानेंट लेक के बारे में तो आपको कुछ खास बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप समझ ही गए कि परमानेंट लेक कौन सी होगी।
जितनी भी पुरानी लेक्स के बारे में हम लोगों ने देखा, जैसे रिफ्ट वैली लेक हो गई, परमानेंट लेक ही हो जाती है, वोल्केनिक लेक हो गई, परमानेंट ही हो जा रही होती है, क्लियर। नेक्स्ट होती है सलाइन लेक। सलाइन लेक का मतलब हो गया जो भी वाटर बॉडी एक तरीके से जिसमें सॉल्ट कंटेंट, NaCl कंटेंट, MgCl2 कंटेंट, यहां पर NaCl कंटेंट या फिर MgCl2 कंटेंट ज्यादा होता है, उसको हम लोग सलाइन लेक बोल देते हैं। जैसे राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में डिगना लेक हो गया, डिडवाना लेक हो गया, डिडवाना या सांभर लेक हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी सलाइन लेक होती है। सिमिलरली अगर बात करें तो देखिए रेड सी सलाइन लेक है, डेथ वैली या डेड सी, DEAD, डेड सी, ये भी एक तरीके की सलाइन लेक है, ठीक है। इनफैक्ट अराल सी, ये भी मतलब माना जाने लगा है कि ये भी सलाइन होना शुरू हो गई है, हालांकि ये फ्रेश वाटर होती है बट स्टिल सैलिनिटी इसमें आनी शुरू हो गई है। सिमिलरली कैस्पियन सी, इट इज ऑल्सो कैस्पियन सी, ये भी जो होती है वो सलाइन होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम हो जा रही होती है। बैकाल लेक हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी, हालांकि बैकाल लेक तो खैर फ्रेश वाटर होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। फ्रेश वाटर के बारे में आ जाएंगे तो फ्रेश वाटर अगर आप लिखेंगे तो अराल सी के बारे में लिख सकते हैं, जो कि पहले ये फ्रेश वाटर हुआ करती थी। सिमिलरली जितनी भी पोलर सीज है, पोलर एरियाज की जितनी भी लेक्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर बोल सकते हैं फ्रेश वाटर है। जैसे फिनलैंड की जितनी भी लेक्स हैं, फिनलैंड की जितनी भी लेक्स हैं, वो सारी की सारी फ्रेश वाटर लेक हैं। इसके अलावा बैकाल लेक हो गया, बैकाल, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो जाती है हमारी फ्रेश वाटर लेक के बारे में, जो कि थोड़ी मोड़ी आपको इंपॉर्टेंस, थोड़ी मोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक, ऑलरेडी आपको पता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वन बाई वन करके अगर देखें क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले आती है कि ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जा रही होती है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करें तो हमारे पास हो जाती है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स ये कहाँ पर है, ये होती है USA और कैनेडा का बेसिकली बॉर्डर बना रही होती है। ये इलाका प्योरली इनलैंड ट्रांसपोर्ट पे, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट पे बेस्ड है, और इनलैंड वाटरवे होने के कारण से ही बहुत ज्यादा चीपेस्ट मोड प्रोवाइड हो जाता है। और इस तरीके से जो यूएस का ये इलाका है, जैसे डुलूथ हो गया, पिट्सबर्ग हो गया, ये सारे इलाके बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग एरियाज बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है वो बहुत ही निगलिजिबल आ जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अगर कैनेडा से किसी चीज को यूएस में भेजना होता है तो जस्ट दे जस्ट थ्रो द थिंग, जैसे मान लीजिए आयरन रॉड ये अगर फेंकनी है तो आयरन रॉड को फेंक दे रहे होते हैं वाटर बॉडी में, एंड इट फ्लोज डाउन एंड रीच टू द यूएसए। तो इस तरीके से अल्टीमेटली यूएसए में पहुंच जा रही होती है। दिस इज जस्ट कह लीजिए कि ऐसे ही बोला जाता है, इसमें कुछ फॉर्मेट नहीं होती है, केवल और केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी काफी ज्यादा यहाँ पर सस्ती है, चीप मोड में होती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट के कारण से आप देख सकते हैं। वाटर स्टोरेज हो जाती है, तो जो भी वाटर स्क्योर्स रीजन होते हैं वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी रेन वाटर हो जाती है या जो भी हो जाता है, हम अगर वाटर को स्टोर कर ले रहे होते हैं, देन इट विल बी अ बॉडी विच कैन बी यूज इन आवर इमरजेंसी कंडीशन। तो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग इस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ मैन मेड लेक, जिसको हम लोग बोलते थे वाटर शेड मैनेजमेंट, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। नेक्स्ट आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना ले रहे होते हैं, कि यहाँ पर पानी को इकट्ठा करते हैं, हाइट पे अचीव करते हैं, ताकि एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी रहे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा लेक है, ठीक है, ये हमारी लेक है और ये कुछ हाइट पे है, हाइट पे है, तो सीधी सी बात है इसके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी है MgH। पोटेंशियल एनर्जी यहां से एक अगर आउटफ्लो लंग निकाल दिया जाए और इस आउटफ्लो को नीचे अगर गिराएंगे तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस काइनेटिक एनर्जी के जरिए हम लोग यहां पर इस वेलोसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो HEP लगा दे रहे होते हैं और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर ले रहे होते हैं। बाकी एग्रीकल्चरल पर्पस, सीधी सी बात है इरिगेशन के लिए हम लोग यूज कर ले रहे होते हैं, इसका पानी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली मरीन फूड का एक सोर्स बन जाता है, मतलब कि यहाँ पर मछलियां और कई तरीके के जो मरीन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको पाल लिया जाता है, उनकी
फार्मिंग की जाती है और अल्टीमेटली उसको एक इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा होता है। बाकी मिनरल सोर्स भी होते हैं, सॉल्ट पैंस पाई जा रही होती है, जैसे गुजरात के एरिया में चले जाइए वहां पर सॉल्ट पैंस पाई जाती है, नमक बनाया जा रहा होता है, NaCl, MgCl2 वगैरह मिल जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जा रहे होते हैं, जैसे बोरेक्स वगैरह मिल जा रहा होता है। तो ये हमारे कुछ मिनरल इंपॉर्टेंट सोर्सेज मिल जा रहे होते हैं हमारे इस लेक में। इसके अलावा बाकी लास्ट में टूरिज्म इज ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि लेक के कारण से डेवलप होती है, जैसे नैनीताल हो गया इंडिया में या फिर उदयपुर हो गया। बेसिकली यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेक्स, तो बहुत सारी लेक होती है, इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें मिल जा रही होती है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया। दिस इज ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब डिस्कस करेंगे हमारे लैंड फॉर्म के बारे में। तो लैंड फॉर्म का सारा चैप्टर हम लोग देखेंगे विद इन टू डेज, हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा फास्ट मोड में आप भी लोग आ जाइए, गियर जरा शिफ्ट करिए यार, अब एग्जाम पास आ रहा है। चलिए खैर, अगर आपको कोई डाउट हो रहा होता है तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर उसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।